सुप्रभात, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे सारे? सब खुश और स्वस्थ है ना? हमें हमेशा स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा में सर्वप्रथम हम स्वर पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजन भी पढ़ेंगे। व्यंजन की दो लाइन पढ़ेंगे पहली वाली, और उसके बाद हम आज ऋ से ऋषि लिखना सीखेंगे, और अंत में एक नई कविता चूहे की बारात सीखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम स्वर दोहराएं। हिंदी की किताब खोलेंगे और पेज नंबर 3 निकालेंगे। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह क ख ग घ ळ च छ ज झ य। अब हम पेज नंबर 22 निकालेंगे। क क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी, क से कलश, ख ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खटिया, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ग ग से गज, ग से गन्ना, ग से गाय, ग से गधा, ग से गाजर, ग से गमला, घ घ से खटा, घ से घबराना, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ियाल, घ से घड़ी, ळ खाली, च से चाचा, च से चाची, च से चम्मच, च से चटनी, च से चटाई, च से चाबी, च से चप्पल, छ छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छत, छ से छिपकली, छ से छलनी, ज ज से जामुन, ज से जिराफ, ज से जहाज, ज से जंगल, ज से जल, ज से जग, झ झ से झंडा, झ से झूला, झ से झरना, झ से झाड़ू, य खाली, बजाओ ताली। अब हम री से ऋषि लिखेंगे। री से ऋषि बाबा। ऋषि लिखना बहुत आसान है। एक स्टैंडिंग लाइन उल्टा के बनाएंगे, एक छोटी सी और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, और हम छोटा सी बनाएंगे। इस तरह से री से ऋषि लिखा जाएगा। तो सीखे कैसे बनता है री से ऋषि। ये हमारी नीली वाली हिंदी की 2 ब्लू लाइन है, जो आपकी नोटबुक में ब्लू कलर से बनी है, ब्लू लाइन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ये हमारी क्या बनी? स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन। अब स्टैंडिंग लाइन के बीच में से यहाँ से, जैसे बच्चों आप जो ये के लिखते हैं ना, ऐसा के, तो इसको उल्टा के लिखना है आपको। इस तरह से उल्टा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसके बीच से
एक ऊपर स्लांटिंग लाइन जाएगी ऐसे, फिर एक स्लांटिंग लाइन नीचे आएगी इस तरह से, थोड़ी सी जगह छोड़ के एक छोटा सा यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनेगा और यहाँ पे हम उल्टा सी बनाएंगे ऐसे टच करके। जब ये बन जाएगा तो हम इसको बीच में से एक स्लीपिंग लाइन से ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे, इसकी गर्दन में जोड़ेंगे यहाँ पे और ऊपर फिर से एक स्लीपिंग लाइन बनेगी। तो इस तरह से ये री से ऋषि बना। फिर से देखें, स्टैंडिंग लाइन यहाँ से ऊपर स्लांटिंग लाइन, फिर स्लांटिंग लाइन, तो ये उल्टा के बना। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, फिर सी फॉर कैट बनेगा और यहाँ से यहाँ ये इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से और ऊपर एक इसके स्लीपिंग लाइन बना देंगे। इस तरह से री से ऋषि बनेगा। ये आपको अच्छे से बनाना है बच्चों। री से ऋषि बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। फिर से देखो, एक स्टैंडिंग लाइन बनी, इसके बीच से ऊपर स्लांटिंग लाइन बनेगी, यहाँ टच होगी, नीचे वाली यहाँ टच होगी, तो ये उल्टा के बना। फिर जगह छोड़ के एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ के एक स्लीपिंग लाइन बनेगी यहाँ पे और उसके बाद ऊपर भी स्लीपिंग लाइन बनेगी। इस तरह से री से ऋषि बनेगा। आया आपको री से ऋषि लिखना? सबको आ गया है लगता है री से ऋषि लिखना। इस तरह से हम री से ऋषि को हमारी कॉपी में भी लिखेंगे। अब हम री से ऋषि नोटबुक में लिखेंगे। देखो ये कैसे लिखना है। एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और आपने के फॉर काइट सीखा था ना, तो काइट को उल्टा करके बनाना है। वो काइट में ये जो स्लांटिंग लाइन इधर आई थी, ये इस तरफ है, उल्टी तरफ है, और जब ये उल्टा के बन जाएगा तो थोड़ा जगह छोड़ के छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, उसके नीचे छोटा सा सी फॉर कैट बनेगा और इसको बीच में से एक लाइन से यहाँ तक जोड़ देंगे यहाँ से इस तरह से। तो अब हम कैसे बनाएंगे देखें। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब सीधी लाइन के बाद यहां से ऊपर से हम जैसे के बनाया ना, वैसे यहाँ एक स्लांटिंग लाइन बनेगी और एक लाइन नीचे आएगी और ब्लू लाइन को टच होगी इस तरह से। ऐसे टच करना है आपको। अब हम थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ेंगे, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और सी फॉर कैट बना के यहाँ टच कर देंगे ऐसे, इस तरह से बना के, और यहाँ से बीच से इसको ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ तक जोड़ना है आपको, जहाँ आपने स्टैंडिंग लाइन बनाई और सी शुरू हो रहा है, यहाँ तक जोड़ना है इसे, और ऊपर एक इस तरह से स्लीपिंग लाइन बनेगी इसकी, इस तरह से री से ऋषि बनेगा। फिर से देखेंगे हम, एक हम पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ऊपर से नीचे लेके ऐसी स्लांटिंग लाइन, फिर नीचे से ऐसे, तो ये के बन गया। फिर थोड़ी जगह छोड़ेंगे, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनेगा, फिर सी फॉर कैट बनेगा ऐसे, और यहाँ से बीच से इसको इस तरह से जोड़ेंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनेगी। तो ये क्या बन गया हमारा, री से ऋषि। ये आसान है बच्चों, लेकिन थोड़ा इसको बनने में समय लगेगा। फिर से देखेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से उल्टा के, बीच में जगह छोड़ेंगे थोड़ी सी, एक छोटी सी लाइन सी फॉर कैट, और इसको यहां से जोड़ देना ऐसे, और ऊपर स्लीपिंग लाइन इस तरीके से, स्टैंडिंग लाइन
यहां से उल्टा के पूरा टच करेंगे, जगह छोड़ेंगे और सी बनाएंगे। इसको जोड़ेंगे पहले यहां तक, इसकी जो गर्दन है यहां तक जोड़ देना और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनेगी। आपको आ रहा है समझ ऋषि? फिर से देखो, एक स्टैंडिंग लाइन ऊपर से नीचे, फिर ऐसे के उल्टा, जगह छोड़ेंगे, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनेगा, फिर सी फॉर कैट बनेगा, इसको यहां से जोड़ेंगे और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनेगी। इस तरह से आप री से ऋषि को बना सकते हैं, है ना? आसान बनाना। आप इसकी एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप अच्छे से लिखना आ जाएगा री से ऋषि। आप अपनी मम्मी की हेल्प लेना इसको बनाने में, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आए तो मैम भी आपकी हेल्प करेगी इसको सिखाने में। इस तरह से री से ऋषि बनाएंगे। यहाँ पे फिर से देखो, एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से उल्टा के थोड़ी जगह छोड़ के छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, इसके बीच में से इसको जोड़ना है इस तरह से और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आप री से ऋषि करेंगे। ऐसे दोनों लाइनों के अंदर ही लिखना है आपको, आप इसके बाहर बिल्कुल नहीं लिखना। आपको लाइन के अंदर इस तरह से री से ऋषि लिखना है और आप केवल पहली 7 लाइंस लिखेंगे ऊपर से लेके और यहां तक। और इस कार्य की मुझे आप पिक्चर भेज देना। अब हम एक कविता पढ़ेंगे। ये रही हमारी कविता चूहे की बारात, लेकिन आज हम चूहे की बारात देखेंगे। अब देखो, ये रहा एक दूल्हा जो चूहा है। चूहा कितना खुश नजर आ रहा है और चूहा घोड़े पे बैठा है और चूहे के ये देखो कितने सारे बराती हैं, सभी जानवर कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये जिराफ भी है, हाथी भी है, भालू भी है और एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया भी है। खरगोश भी खूब उछल कूद कर रहा है, नाच रहा है। यहाँ एक बंदर भी है। अब हम देखेंगे कि चूहे की बारात के अंदर कौन कौन से जानवर क्या क्या बजा रहे हैं। कोई तो ढोल बजा रहा है, कोई नाच रहा है ना? तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। चूहे की बारात। चूहे की आई बारात, चूहे की बारात आ रही है। मिले बराती केवल 7। चूहे को कितने बराती मिले हैं? केवल 7, 7 बराती मिले हैं। और उसके बराती कौन है? भालू, खरगोश, जिराफ, बंदर, चिड़िया, भालू डमडम ढोल बजाता। जो भालू है, ये रहा भालू, इसके हाथ में एक ढोल है, वो डमडम बजा रहा है। और जैसे जैसे ढोल बज रहा है, बारात आगे निकल रही है, चूहे का मन खुश हो रहा है, वो बहुत खुश है, वो अपनी दुल्हन लेने जा रहा है। तो ये कविता को अब हम सब साथ में सीखेंगे। चूहे की बारात। चूहे की आई बारात, मिले बराती केवल 7। भालू डम डम ढोल बजाता, चूहे का मन खुश हो जाता। एक बार फिर से ये कविता मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। चूहे की आई बारात, मिले बराती
चूहे का मन खुश हो रहा।